बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे, स्टेटमेंट पर गौर करें, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लें और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरी बात गौर से सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको न्यूमेरिकल की 100% समझ आएगी, इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपर टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हूज वेव लेंथ इज 40 मिलीमीटर। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। आपके पास एक रिपल टैंक है, आपने उसके ऊपर 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस की हैं और वेव की वेवलेंथ जो है वो है 40 मिलीमीटर। आपको कह रहा है कि बताएं कितना टाइम लगेगा वेव्स को टैंक क्रॉस करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, 10.9 वाला हमारा न्यूमेरिकल है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है आपके पास? 5 हर्ट्ज। हमारे पास वेवलेंथ गिवन है 40 मिलीमीटर। तो आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप 40 को डिवाइड कर दें 1000 के साथ, मिली चूँकि मिली है तो ये आ जाएगा आई थिंक 0.04 मीटर। ये आ गई वेवलेंथ और आपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं फार्मूला है आपके पास V इज इक्वल टू डी ओवर टी, और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है उसने, डिस्टेंस भी ऐड कर लें, वो है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को भी आप जब चेंज करेंगे मिली मीटर में तो आई थिंक ये आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक होगी बात। अब देखें यहाँ आपके पास वी भी नहीं है तो आप वी कैलकुलेट करेंगे पहले, तो आप वी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ टी कैलकुलेट करना था, टी तब ही कैलकुलेट होगा जब आपके पास वी होगा, तो वी नहीं है आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ, तो आप वी कैलकुलेट कर लें चूँकि आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है और लैम्डा भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वी आ जाएगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो V इज इक्वल टू एफ कितना है आपके पास? फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ है आपके पास 0.04 मीटर। ठीक होगी बात। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आप इसको आसानी से, ये आ गया आपके पास 5 × 0.04, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक होगी जी बात। ये आपके पास जो है वो क्या आ गई है, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब इस फार्मूले वैल्यूज पुट करें, v इज इक्वल टू डी ओवर टी है तो t इधर आ जाएगा, t इज इक्वल टू डी ओवर v तो t इज इक्वल टू d कितना है आपके पास 0.8 और v कितना है आपके पास 0.2। तो आई थिंक आपके पास जो आंसर आएगा, इसको अभी डिवाइड करके देख लेते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 तो आंसर आ गया आपके पास 4। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, दैट इज़ योर आंसर। ठीक होगी बात। तो इस तरह से आपने जो है वो टाइम फाइंड कर लिया जो कि रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट हम इसको दोबारा फिर एक दफ़ा देख लें, सुन लें मेरी बात गौर से। इसने कहा है कि आपके पास एक रिपर टैंक है और रिपर टैंक में आपने 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स प्रोड्यूस की हैं और उन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो है 40 मीटर। वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, कहता है बताएं कि टाइम कितना लगेगा वो जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं उनको 80 सेंटीमीटर क्रॉस करके एक एंड से दूसरे एंड में जाने के लिए। तो डेफिनेटली आपके पास डिस्टेंस गिवन है 80 सेंटीमीटर का, आपके पास वेवलेंथ गिवन है, आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप टाइम कैलकुलेट कर, टाइम का फार्मूला जो आपने पढ़ा हुआ वो है वी इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब सिंपली जो बात आपके जहन में आती है कि यहाँ पर तो आपके पास डी गिवन है, टी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वी गिवन नहीं है, तो वी फाइंड कर लें। वी फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सिंपल फार्मूला है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ भी है, वेवलेंथ भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड आ गई है
डी ऑलरेडी ऊपर था आपके पास यहाँ पे, तो आपने वी भी कैलकुलेट कर लिया। जब वी और डी आ गए तो टी जो है आपने कैलकुलेट करके आपके पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, आज हमारा लास्ट और आखिरी न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर ख़त्म होने लगा है हमारा। अब देखें क्या कहता है लास्ट न्यूमेरिकल में, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाई एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। 10.10 न्यूमेरिकल है हमारा, वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट करना है आपने। लेट्स, फ्रीक्वेंसी कितनी है 19 मेगाहर्ट्ज़, और मेगा किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि 90 × 10^6 हर्ट्ज़ हो गई है। ठीक हो गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है। वेव 1 मेगा इज इक्वल 10.6 उसने बता दिया। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स, और स्पीड कितनी है 3 × 10^8 m/s। तो बाय यूजिंग फार्मूला, सिंपल है ये, क्या फार्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेमडा कैलकुलेट करना चाहते हैं, f मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v ओवर f, ये आ गया लेमडा। सो लेमडा इज इक्वल टू v कितना है 3 × 10^8 डिवाइडेड बाय 9 × 10^6 आ गया। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3.33 मीटर, दैट इज़ दी वेवलेंथ ऑफ दी वेव्स। ठीक हो गई बात, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, आप कैलकुलेटर की ज़रूरत है इसके लिए, मेरे पास सिंपल कैलकुलेटर है, तो आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर। तो ये आपका चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया, कल चैप्टर 11 हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप इन न्यूमेरिकल्स को घर बैठ कर अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें, मेरी बातों को गौर से सुने, इंशाल्लाह समझ आपको आएगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।